सत्ता बदलते ही मुख बदल जाने वाले शिक्षक नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हमारे दोनों हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। अगर हम निर्माण भी कर सकते हैं तो प्रलय भी हम मचा देंगे। पर्वों में छुट्टी को लेकर के लगातार शिक्षक संघ व बिहार का शिक्षा विभाग आमने सामने है। लगातार शिक्षक संघों के द्वारा पर्वों के दौरान छुट्टियां बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। एक ओर बीजेपी के MLC जीवन कुमार ने शिक्षकों की इस मांग को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी के ही एक MLC ने बिहार के तमाम शिक्षकों पर बड़ा कटाक्ष किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम बिहार के शिक्षक में आक्रोश है और इन तमाम शिक्षक संघों के द्वारा ऐसे बयान देने वाले नेता का विरोध किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। शुरू से ही हमारी मांग रही है कि किसी भी पद के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित हो। न्यूनतम योग्यता और अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण ही उलूल जुलूल लोग राजनीति में आ जा रहे हैं और उलूल जुलूल बयान देते रहे हैं। शिक्षक न तो कभी हराम का खाता है, न तो हम खैरात का खाते हैं, न ही खैरात की मांग करते हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं, भारत के बच्चों के भाग्य विधाता हैं और इसलिए अपने अधिकार मांगते हैं। सरकार हमारी मूल मांगों से ध्यान भटकाने के लिए कभी छुट्टी में कटौती करके, कभी टाइमिंग में कटौती करके और सरकार शिक्षकों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। जो सरकार के एजेंट है, जो उनके छोटे नेता है, जो दलाल है, वो ध्यान शिक्षकों का भटकाने का काम कर रहे हैं। हम जो दशहरा में 10 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, कोई खैरात का नहीं मांग रहे हैं। बिहार में जितना विभाग है, जितना, चाहे वो बिहार प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में 33 दिन का EL मिलता है। हमको भी आप 33 दिन का EL दीजिए, हमको एक्स्ट्रा कोई छुट्टी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे 22 दिन EL को काट कर ही अन्य छुट्टी हमें दिया गया है, हमें सिर्फ 11 दिन EL मिलता है। इसलिए हर हाल में यह छुट्टी हमारा अधिकार है और यह मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो हम रोड पर से लेकर के, सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ लोग धमकी देते हैं कि पाठक बाबा के समय के, मैं केशव कुमार इतिहास गवाह है, जब जब गलत नीति हुआ है, चाहे वो किसी की नीति रही हो, कोई SC, कोई मंत्री रहे हो, हमने हमेशा आवाज उठाया है और आगे भी वो आवाज उठाने का काम करेंगे। न तो हम अन्याय के विरुद्ध कभी लड़ने में चुप रहे हैं, दबे हैं, नहीं आगे दबेंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि जितने सरकारी सेवक है, चाहे वो शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, और जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो, पैक्स अध्यक्ष हो, MP हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी के बच्चे की पढ़ाई हर हाल में सरकारी विद्यालय में उनका नामांकन हो और सरकारी विद्यालय में वो अपने बच्चे को पढ़ाए, वो अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराए। जब तक नहीं कराते हैं तब तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाए, उनको किसी भी तरह सुविधा देने पर रोक लगाई जाए। ये हमारी मांग है, ये बिहार के तमाम शिक्षकों की मांग है। और सत्ता बदलते ही मुख बदल जाने वाले शिक्षक नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हमारे दोनों हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। अगर हम निर्माण भी कर सकते हैं तो प्रलय भी हम मचा देंगे। इतिहास गवाह है, हम न झुके हैं न झुकेंगे। और बहुत जल्द बिहार के सारी तानाशाही रवैया के विरोध में शीतकालीन सत्र में बिहार के सारे शिक्षक रोड पर उतरेंगे और हम ईंट का जवाब ईंट से नहीं पत्थर से देंगे और हम अपनी मांग कर लेकर रहेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार, एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि हम हराम का न खाते हैं न हराम का मांगते हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए जिसे हम लेकर रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक नेता केशव कुमार सिंह ने कहा है कि जिस तरह का बयान आज राजनेताओं के द्वारा दिया जा रहा है वो निंदनीय है, ऐसे बयान देने से उन्हें बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो शिक्षकों के द्वारा चुन करके इस कुर्सी पर बैठते हैं, जबकि शिक्षकों की नौकरी अस्थाई होती है, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से वो शिक्षक का अपमान कर रहे हैं, इसे शिक्षक कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक छुट्टी की बात है तो सरकार हमारी छुट्टियों में लगातार कटौती करते आ रही है, लेकिन अब ये शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आगामी पर्वों के दौरान हमारी छुट्टियाँ सही से नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से अब शिक्षक व शिक्षक संघ जो हैं सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दर्श के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।